العسل نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام في والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربك بكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
अल्लाह माशाल्लाह, ये थे कारी मोहम्मद आरिफ नक्शबंदी जमाती साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तिलावत कुरान पाक पेश कर रहे थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का बकायदा आगाज इन आयात कुरानी के साथ में करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और यकीनन अल्लाह ताला ने तुम लोगों की मदद फरमाई बदर में, जबकि तुम लोग कमजोर और बेसरोसमान थे। तुम लोग अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। सदक अल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, इन आयात कुरानी से पता चलता है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी मुसलमान को तनहा नहीं छोड़ता। और इन आयात कुरानी से जो मैंने अभी पढ़ी, आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा मौजू क्या है। नाज़रीन, यकीनन बदर है। बदर, जंगे बदर इस्लाम की पहली जंग थी, जिसमें कुफार की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थी। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम रमजान स्पेशल का आगाज इस शार के साथ करूंगा। ना सबूत है ना दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। तेरा नाम कितना मुख्तसिर है, तेरा जिक्र कितना तवील है।
एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं दावा दूंगा खतीबे अहले सुन्नत हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल वारिस नक्शबंदी शरीफपुरी साहब से कि वो जंगे बदर की फजीलत और अहमियत के हवाले से आकर खिताब करें और आपके जो सवालात जो आपने हमें किए थे उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। صبرا ناخذ اجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل اهلا لان رمضان يجمعنا वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है जंगे बदर, इसके हवाले से खतीबे अहले सुन्नत हजरत अलामा कारी मोहम्मद अब्दुल वारिस नक्शबंदी शरीफपुरी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो जंगे बदर के हवाले से हमें उसकी अहमियत और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इसके मुतलक रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम कार साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा कार साहब, ये बताइएगा कि गज़वा बदर क्यों पेश आई, इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप सल्लम को जहाद में आना पड़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله नबी अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहि सलातो वसलाम को मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत किए हुए 19 महीने गुजर चुके थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मक्कातुल मुकर्रमा का एक तजारती काफिला जो कुफार का निकला हुआ है और वो मुल्के शाम से होता हुआ तजारती काफिला जब वापस मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जा रहा था तो मदीना तय्यबा के कुछ राहों से उन्होंने गुजर के जाना था। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाईन को सरकार ने उनके ज़िम्मे लगाया, ड्यूटियाँ लगाई कि ताकुब किया जाए उस काफिले का। और अबू सुफियान उस काफिले का जो है वो अमीर सफ़र था, तो उसको भी मालूम हुआ, उसने और रास्ता इख्तियार करके अपना काफिला महफूज जो है ना किया और उसको बचा के मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ ले गया। और जब कुफार को ये पता चला जो उधर थे कुफार, चूँकि उस काफिले में जो तजारती काफिला था हर मक्के वाले घर का उसमें हिस्सा था, जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं और उन्होंने हमारे उस काफिले को घेर लिया है, लेकिन अबू सुफियान उस काफिले को बचाकर ले जा चुका था और उन्हें मालूम भी पड़ गया, लेकिन कुफार मक्का फिर भी उसी जिद में आकर उन्होंने कहा नहीं, अब हम इनसे जंग करेंगे। असल में जो वजह थी जंगे बदर की वो वजह वो काफिला बना जो तजारती काफिला था, लेकिन वो भी हिफाजत से चला गया। उसके बाद भी जो कुफार थे उन्होंने कहा कि अब हमारी चुदराहट हमारी सरदारी के जो डंडे बजते हैं अब वो सरदारी को हम रखने के लिए हम जरूर जाएंगे, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को हम शिकस्त देंगे। ये वजह पेश आई जंगे बदर की, यानी कि उन्होंने बस अपनी जो रुतबा है और तकब्बुर की वजह से मुसलमानों से जंग का इरादा किया और जब देखा इस्लाम फैल रहा है तो उन्होंने बकायदा मुसलमानों की तजारत को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो कर साहब ये बताइए कि आखिरकार आप सल्लम भी चाहते तो बाकी मुसलमान जहाद में उतर जाते, तो आप सल्लम ही क्यों उतर, ये गलत हो गया सवाल।
अच्छा कार साहब ये बताइएगा कि गजवा बदर में मुसलमान किस जोजो जज्बे के साथ शामिल हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार का ये इरादा और उनके पैगामात सुने और बदर का इरादा हुआ, कुफार ने आकर डेरा लगा लिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को हुक्म फरमाया कि अब हमने बदर के मैदान के लिए जंगे बदर के लिए निकलना है। और ये मदीना तय्यबा से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गाँव है जिसका नाम था बदर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को ये ऐलान किया जिहाद के मुतालिक, तो वो शौक था, वो जज्बा था सहाबा का कि जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया है, उसका नाम था अफरा, तो उसके बेटे हजरत मुआज और हजरत मुअव्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी अभी छोटी उम्रें थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करना था कि ये सहाबा का प्यार था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपनी जानें कुर्बान करने तक हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने बड़े भाई को फरमाया कि तूने मैदान में जंग के लिए जाना है, और छोटा भाई उसकी आंखें अश्कबार हैं और अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मैंने भी जिहाद के लिए जाना है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा तेरी उम्र थोड़ी है। अब ये सहाबी हुजूर से अर्ज करता है आका मेरे भाई से मेरी कुश्ती करवाओ, अगर मैं जीत गया तो मुझे साथ ले जाना। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये अदा इतनी प्यारी लगी तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों ना हो इनकी कुश्ती करवाई जाए। अब छोटे भाई को मालूम था कि ये मेरा बड़ा भाई है, ताकत में भी मेरे से ज्यादा है, लेकिन छोटे भाई ने किया क्या, वो शौक था नबी अलैहिस्सलाम पर मर मिटने का, जो आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही प्यारे जो शेर लिखे, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो छोटा भाई बड़े भाई के कान में करीब होके कहता है भाई जान आपको तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया है, लेकिन आपका क्या जाएगा, भाई आप नीचे आ जाओ मैं ऊपर आ जाऊंगा, तो चलो इसकी बरकत से हुजूर मुझे भी जिहाद के लिए ले जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसी तरह उनकी जब कुश्ती करवाई तो छोटा भाई बड़े भाई के ऊपर आ गया तो अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर देखो मैं जीत गया हूँ तो आका मुझे भी साथ ले जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका इश्क उसका प्यार उसकी मोहब्बत को देखकर आका अलैहिस्सलाम ने उसे भी जिहाद के लिए कबूल फरमा लिया। और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जब जिहाद पे गए हैं और जब बदर के मैदान में पहुंचे हैं तो उस वक़्त हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जितने भी सीरत निगार हैं सीरत इब्ने हिशाम में और ज़ियाद नबी में पीर करम शाह अज़हरी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, और उसके बाद रहमतुल आलमीन में अल्लामा क़ादी सुलेमान मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जितने भी सीरत निगार हैं तमाम ने इस वाक़े को इस तरह रकम किया है कि हजरत मुआज़ और हजरत मुअव्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दोनों भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके दाएं बाएं खड़े थे, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं कि ये दोनों भाई मुझसे पूछ रहे थे कि चचा जान ये बताओ कि अबू जहल कौन है जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने इशारा किया कि वो जो कुफार के फौजियों की लाइनें दुरुस्त कर रहा है ये है काफिरों का सरदार, ये है अरब का चौधरी, जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाई और ये हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ देता रहा। तो इतने में एक शोर बरपा हुआ कि अबू जहल को वासले जहन्नम कर दिया गया है, उसे कत्ल कर दिया गया है, और दोनों भाई मुआज़ और हजरत मुअव्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं हुजूर मैंने उसे कत्ल किया है, दूसरा भाई कहता मैंने कत्ल किया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी तलवारें दिखाओ, तो पहले एक भाई ने तलवार दिखाई उसकी तलवार को भी खून लगा हुआ था, दूसरे भाई ने तलवार दिखाई उसकी तलवार को भी खून लगा हुआ था, ये था जज्बा सहाबा इकराम, ये सबसे छोटे मुजाहिदों का कारनामा था।
माशाल्लाह बहुत ही कार साहब, आपने नसीहत कुन वाकया बताया है कि अगर जज्बा ईमानी हो तो बच्चा भी शमशीर से ज्यादा ताकतवर है। बेशक, और बच्चे तो क्या, बड़े बड़े सरदार आ जाए, पहलवान आ जाए, जो भी एटम ताकत क्यों ना आ जाए, हमेशा जो जिसके दिल में जज्बा ईमानी होगा वही कामयाब और कामरान और फतेह के लायक होगा। तो कार साहब ये बताइएगा कि अल्लाह ताला ने गज़वा बदर में मुसलमानों की किस तरह मदद की। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फरकान अमीन में फरमाया वयुनज़िलु अलैकुम मिनस्समा माल लियुतहिरकुम, के जिस तरह कुरान मजीद फरकान हमीद की आया मुबारका में तिलावत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद कैसे फरमाई। पहली मदद तो ये थी कि खालिक़े कायनात ने आसमान से अब्र रहमत का नुज़ूल फरमाया, बारिश उतारी, और वो बारिश जो सहाबा किराम सफ़र की थकावट थी और जो इस तरह के मामला थे, और फिर उसमें एक वजह यह भी थी कि जिस जगह पर सरकार के सहाबा ने खेमे लगाए थे उस जगह पर जो जमीन थी वो जमीन रेतली जमीन थी, और जिस जगह पर कुफार ने आकर अच्छी और पक्की जमीन पर पहले से अपने खेमे नस्ब किए हुए थे, तो उस बारिश से एक तो सहाबा इकराम को ताजगी नसीब हुई कि अल्लाह का कुरान फरमाता वयुनज़िलु अलैकुम मिनस्समा, कि हमने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई, वयुतहिरकुम, जिससे जिस्मों को पाकी मिली, पकीजगी मिली, तहारत मिली, और जब बारिश बरसी है तो उस बारिश के बरसने की वजह से जहाँ सहाबा के खेमे थे वो जगह रेतली थी और वो जगह पक्की हो गई, तो वो जगह जो पक्की थी जो उन्होंने उस इरादे से रखी थी तो उस जगह पर कीचड़ बन गया। तो एक मदद तो ये थी पहली। दूसरी मदद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के मैदान में है तो वो जगह जिसे मकाम अरीश कहा जाता है, जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे मालिक तो हम पे करम फरमा रब्बुल आलमीन, ये जो 313 बदरी सहाबा मैं बदर के मैदान में लेके आया हूँ, मेरे मालिक अगर आज ये ना रहे तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, मेरे अल्लाह मैंने सारी मेहनत इकट्ठी करके बदर के मैदान में ले आया हूँ। तो अल्लाह तो पहले ही फरमाता है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप चाहते हो हम तो वैसे ही करेंगे। और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ा खूबसूरत वो कलाम लिखा कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि दूसरी मदद ये थी कि जो रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से फिर जिब्रील जैसा फरिश्ता जो है ना वो खुद तलवार लेके मैदान बदर में आया है, और फिर 5000 फरिश्तों के साथ जिब्रील अमीन सवार होकर तलवारें लेके फरिश्ते बदर के मैदान में आए हैं। तो अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है कि जिस वक्त शैतान ने देखा, चूंकि हर कोई जो इंसान बुरा है उसके पीछे फिर शैतान होता है, तो शैतान ने जब ये सारा मंजर देखा कि आसमान से जिब्रील भी उतर आया, फरिश्तों के हाथों में तलवारें हैं, तो शैतान उस वक्त फिर इन्हें छोड़ के जा रहा था, क्योंकि शैतान तो जाल में जो है ना अपने जाल में वो खुद ही, तो उसने कहा कि इन्नी आराम आला तरून, ये कुरान के अल्फाज हैं 10वें पारे के, इन्नी आराम आला तरून, उसने कहा जो मैं देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रहे, मुझे तो जिब्रील नजर आ रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी मदद फिर ये उतारी कि फरिश्ते खुद तलवारें लेके कहाँ वो सिदरतुल मुंतहा का मुकीम जिब्रील नूरियों का सरदार वो तलवार लेके आ गया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ये भी मदद हुई थी। तो ये अल्लाह पाक का अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये करम था। और यहाँ एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि जिस वक्त हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बदर वाले दिन हमने देखा कि जो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें कुफार बड़ी अज़ियतें दिया करते थे, कभी आग के अंगारों पे जनाबे बिलाल को लुटाया गया, और कभी इस तरह जानवरों की खालों में बंद करके हजरत बिलाल को पहाड़ों की चोटियों से
जो है ना धक्का दे दिया करते थे और जिसम सारा लहू लुहान हो जाया करता था। हजरत बिलाल को इतनी अजियतें दिया करते थे कुफार, और जो उमैया था ये आप पे ये जुल्म जो है ना उतारता रहा कि हजरत बिलाल जो चारपाई के पाए थे उनके नीचे आपके पांव और हाथ रख के कुफार ऊपर बैठ के जुआ खेला करते थे, और हजरत बिलाल को इतनी इतनी अजियतें देते रहे। लेकिन खुदा की कुदरत पे कुर्बान जाए, अल्लाह का कुरान फरमाता है कि वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, दिन तो फिर के आते हैं, बदल बदल के आते हैं। इधर हजरत बिलाल की तलवार जब बदर में चल रही थी तो सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से मंजर देखा है कि वो उमैया जो हजरत बिलाल पे जुल्म किया करता था फिर वो उमैया हजरत बिलाल के सामने आया है। तो हजरत बिलाल ने फरमाया उमैया आज तुझे बिलाल की तलवार से कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि आज मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आंखों के नूर का फैज लेके बिलाल आया है। उस दिन से आबा कहते हमने बिलाल का इश्क देखा कि जब बिलाल की तलवार चल रही थी तो उमैया फिर आगे जैसे शेर के आगे बकरियां भागती हैं ऐसे कुफार बिलाल के आगे भाग रहे थे। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर तलवार पकड़ी है और उमैया के ऊपर वार किया और दो टुकड़े करके रख दिए। पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जज्बा ये था। और फिर मियां मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा वो पंजाबी के शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लिखा कि कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सौ गए विच। अच्छा कर सर ये बताइए क्या कि अल्लाह ताला ने तो इस तरह आपने बताया कि मदद कर दी फरिश्तों के ज़रिए और बाकी जो मौजूदात अल्लाह ताला की तरह से रूनमा किए, जिस तरह बारिश के का उन पर बारिश का समझ के अजाब उन पर कुफार पर नाजिल हो गया, मुसलमानों के लिए वही बारिश रहमत बन गई। तो कर सर ये बताइएगा कि आप के कौन से ऐसे मौजूदात गजवा बदर के दौरान रूनमा हुए जिससे मुसलमानों को काफ़ी मदद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़ात थे वैसे तो ला तादाद हैं, लेकिन वक्त के पेशे नज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात क्यों के जितने अंबिया कायनात में आए हैं, तो पहली तो खूबसूरत बात यह है कि जितने अंबिया कायनात में आए हैं अल्लाह ने हर नबी को मौजज़े दे के भेजा है। कि किसी नबी को अल्लाह ने आसे का मौजज़ा दिया, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को खालिक कायनात ने फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो इन्होंने अर्ज किया قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها الى غنمي ولي فيها مارب اخرى, मेरे अल्लाह मेरे हाथ में मेरा आसा है और ये आसा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बतौर मौजज़ा था। आप फरमाते हैं कि यही मेरा आसा क्या करता है, قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها الى غنمي ولي فيها مارب اخرى, कभी ये नूर का काम मुझे देता है, कभी बुलंदो बाला दरख्तों के ऊपर से मुझे पत्ते उतारने का बकरियों के लिए काम देता है, और कभी ऐसा होता है कि मदियन के इलाकों में रात का अंधेरा जब छा जाता है तो मेरे आसे से नूर की शुआएं निकलती हैं, और कभी मैं ऐसे जो है ना गहरे कुओं के करीब जाता हूँ वहां से पानी निकालना होता है तो यही मेरा आसा रस्सी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम को जो है ना मौजज़ात अता फरमाए हुए थे, पर सरकार तो फिर सरकार है ना, आका अलैहिस्सलाम तो वो सरकार हैं कि जिनके लिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा आपकी मशहूर ज़माना किताब जामिउल हदीस उसके जिल्द नंबर 4 में ये हवाला आपने नकल फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने ये ऐलान फरमाया है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको जहान में ना भेजना होता, लौला का लमा शम्सुल कमर, मैं चांद सितारे इनको रोशनी अता ना करता, ऐ महबूब मैंने आपको कायनात में ना भेजना होता तो लौला का लमा शम्सुल कमर, लौला का लमा खलकतुद दुनिया, लौला का लमा खलकतुल अफलाक, ऐ महबूब हम जहान को ना बनाते, जमीनों आसमान को ना बनाते, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको ना भेजना होता तो आखिरी बात यही है
बस कि हम जो है ना लौला कलमा अजहर तो रबूबिया, मैं अपने रब होने का ऐलान भी ना करता। अब अल्लाह ने अपने महबूब को जो वसफ अता फरमाना था, जो शान अता फरमानी थी, वो ये है कि खालिक ने फरमाया बाकी अंबिया को मैंने मोजज़े अता करके भेजा है, लेकिन ऐ महबूब आपका सरापा वजूद ही हमने मोजज़ा बना के भेजा है। सरकार की जुल्फें भी मोजज़ा, सरकार का लुआब भी मोजज़ा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात मैदान बदर में जो दिखाए गए, जब अबू जहल को कत्ल किया था इन दोनों भाइयों ने, तो एक भाई को तलवार का वार किया अबू जहल के बेटे अकरमा ने, जब वार किया है तो उस भाई का बाजू कट गया, जब बाजू कटा है तो वो सहाबी अपना कटा हुआ बाजू सरकार की बारगाह में लेके आया है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास लाया गया तो आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन लगा के उस सहाबी का बाजू जोड़ दिया, और सरकार का लुआब वो लुआब है कि हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु इनकी जब आंख निकली थी तीर लगने से, तो सहाबी ने सरकार की बारगाह में आके अर्ज किया हुजूर मेरी आंख निकल गई है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो आंख अपने लुआब से जोड़ दी, और हजरत जनाब कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आए थे ना, तो यहाँ जो बात लिखी हुई है वो ये है कि सहाबी ने आके अर्ज किया हुजूर मेरी आंख निकल गई है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कतादा आंख लेनी है कि जन्नत, आंख लेनी है कि जन्नत लेनी है। अब वो भी सहाबा थे जिन्हें नबी से मांगने का तरीका आता था, और अल्लाह का कुरान फरमाता है ना अम्मसा इला फला तनहा, मेरे महबूब जो आपके दर से मांगने आए उसे इनकार नहीं करना, झिड़कना नहीं, बस अता कर देना है। और उस प्याला हजरत ने बड़ा खूबसूरत ये जुमला लिखा, मेरे करीम से दर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार का दर तो वो दर है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सहाबी को यह फरमाया तो सहाबी अर्ज करता है हुजूर जन्नत अपनी मर्जी से अता कर दो और सरकार आंख मेरी मर्जी से अता कर दो। तो सरकार तो फिर सरकार है, आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत भी अता कर दी आंख भी अता कर दी, तो सरकार का वो सहाबी जब बाजू लेके आया है तो नबी अलैहिस्सलाम ने बाजू पर लुआब दहन लगा के जोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैदान बदर में एक सहाबी है हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया है कि जब हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तलवार टूट गई तो और तलवारें में नहीं थी, वो सहाबी जब सरकार की बारगाह में आया तो अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मेरी तलवार टूट गई है, तो नबी अलैहिस्सलाम से अब मांगने आया है, तो सरकार का दर वो दर है जहाँ से जो भी कोई मांगने आया है जिस वक़्त मांगने आया है सरकार ने उसे अता किया है। तो नबी सलाम ने यूं पीछे की तरफ जब ध्यान किया नजर दौड़ाई तो पीछे खजूर की छड़ी थी, सरकार ने वो छड़ी पकड़कर यूं अपना हाथ सीधा किया है उस हाथ में रखा। अब ये हाथ को भी अल्लाह का कुरान क्या फरमाता है, यदुल्लाही फौका अयदीहिम, ऐ महबूब ये हाथ तेरा नहीं ये हाथ मेरा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस छड़ी को यूं हाथ में रख के खींचा तो सहाबा कहते हैं वो एक चमकती हुई तलवार बन गई, और फिर उसका नाम क्या हुआ, उसका नाम इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने लिखा है अलआउन, यानी मदद करने वाली तलवार, जिस नबी के हाथ से लगने वाली जो शाख थी वो तलवार बनी, और वो तलवार मदद करने वाली है, तो जिस नबी के जरिए तलवार मदद कर रही है वो नबी कितना मददगार होगा फिर। तो इसलिए सरकार से जिसने भी मदद मांगी इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए आला हज़रत ने कितना खूबसूरत लिखा आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे के फिर ना मानेंगे अगर कल कयामत में तो मान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अच्छा कर साहब ये बताइएगा, एक बहुत ही खूबसूरत वाकया पेश आया था गज़वा बदर में कंकरियों वाला, उसके मुतल्लिक थोड़ी सी तफसील बता दीजिए। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह मैंने कुरान की वो पहली आयत अर्ज की है सूरतुल फातिहा 26 में बारे में से कि जब बैतुल रिजवान ली गई तो सरकार के सहाबा ने जब सरकार के हाथ पे हाथ रख के बैतुल रिजवान जिसे कहा जाता है तो नबी अलैहि सलाम ने जब हाथ ऊपर रखा सहाबा के हाथ पर तो अल्लाह के कुरान ने फरमाया यदुल्लाही फौकाइदीम, मेरे हबीब ये हाथ तेरा नहीं ये हाथ मेरा है। अल्लाह अपने नबी से प्यार कितना करता है। तो इसी गज़वाए बदर में नबी अलैहिस्सलाम ने जब वो कंकरियां पकड़ी तो कंकरियां अपने हाथ में ली, सूरत अनफाल नमाज़ 12 वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। नबी अलैहिस्सलाम ने वो कंकरियां पकड़कर जब कुफार की तरफ फेंकी, कायनात देख रही है कि हाथ सरकार का है, कायनात देख रही है फेंक सरकार रहे हैं, कायनात देख रही है कि नबी अलैहिस्सलाम बदर के मैदान में है। लेकिन रब का कुरान क्या ऐलान फरमाता है कि जब सरकार ने कंकरियां फेंक दी तो अल्लाह का कुरान फरमाता है वला किन अल्लाह रमा, ऐ महबूब ये कंकरियां आपने नहीं फेंकी, ये मैंने रब ने खुद फेंकी है। और जब सरकार ने ये कंकरियां फेंक दी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम की वो कंकरियां फेंकने की देर थी कि हर तरफ फतह ही फतह नजर आ रही है। क्यों कि रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम के वो सहाबा का इम्तिहान भी ले लिया, आसमान से फरिश्तों के जरिए मदद भी उतार दी, आसमान से अब्र रहमत के नजूल भी आ गए। इसीलिए किसी शायर ने कितना खूबसूरत लिखा था, फिजाए बदर पैदा कर मलाइक उतरेंगे नुसरत को, कतार अंदर आती कि अगर आज भी वो बदर का माहौल पैदा किया जाए तो रब्बुल आलमीन की रहमतें आज भी नाजिल उसी तरह ही होती हैं। तो जो सरकार का वो कंकरियां फेंकने का वाकया है वो सारे का सारा कुरान में मौजूद है। और अल्लाह का कुरान फरमाता है प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत रिफात बयान कर रहा है। जी कर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गज़वा बदर की फजीलत और इसकी अहमियत और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई वो बताया। तो नाज़रीन, ये छोटी सी ब्रेक के बाद जो आज का हमारा सेगमेंट है सवाल और जवाब का, जिसमें आप लोगों के बकायदा सवाल हमारे पास आ चुके हैं तो उसके बारे से आपको उनके जवाब भी दिए जाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी नाज़रीन, आज का जो जो हमारा ये वाला सेगमेंट है इसमें आपके सवाल के जवाब बकायदा दिए जाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरे पास सवाल आया है वो ये है, कर साहब ये बताइएगा कि सदका फितराना क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमाया और इसकी बरकात जिस तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब मुस्तफ़ा को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने दिन के रोज़े फ़र्ज किए हैं मुसलमानों पर और रात का क़याम, तो ये जो हम रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखते हैं और इबादात जो साथ साथ चलती हैं तो सदका फितर जो है इसलिए रखा गया है कि जो इबादात में कोई कमी पेशी में रह गई है तो वो जो सदका फितर है वो अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला वो कमी पेशियाँ जो हैं वो माफ़ फरमा देता है। एक नंबर दो, सदका फितर इसका जो अदा करने का तरीका है और कौन कौन लोग इसे अदा करेंगे। सदका फितर जो है ये हर मुसलमान पर वाजिब किया गया है कि वो सदका फितर हर सूरत पे अदा करेगा। अगर कोई मालिक है, मजनू है और कम उम्र है, नाबालिग है, तो जो
उनका बड़ा है वो सदका फितर उनकी तरफ से अदा करेगा। और उसके बाद इसमें यह भी एक मसला है सदका फितर के मुताल्लिक कि अगर रमजान मुबारक मुकम्मल हो रहा है नमाज़े ईद से पहले इस तुलुए आफ्ताब से पहले अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका फितराना देना भी लाजिम है। यानी कि हर उम्र के लिए सदका फितराना लाजम है, चाहे वो खुद दे अगर अपनी अहलियत के मुताबिक वो दे सकता हो, कारोबार उसका अपना हो तो वो खुद दे, नहीं तो उसके वालिदैन पर वाजिब है कि वो जो साहिब इस्तेआत है तो वो सदका फितर देगा। अच्छा ये बताइएगा कि जो साहिब इस्तेआत नहीं है उनके हवाले से क्या? जो सदका फितर है ये हर एक पे लाजिम है, हर एक पर लाजिम है। और ये जो है ना जिस तरह के गंदम वगैरह उसके हिसाब से ये सदका फितर निकालना पड़ता है तो सदका फितर जो है ये हर एक पे लाजिम है। और उसके बाद अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी तरफ से ये सदका फितर साकित हो जाता है। और अगर जो है ना नमाज ईद अदा करने से पहले सदका फितर जो है ना वो अदा करने का हुक्म है। और अगर कोई रमजान मुबारक की घड़ियों में रमजान मुबारक के दिनों में सदका फितर अदा कर देता है तो वो भी ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है कि ये सदका फितर की बरकत से जो कमियां पेशी हैं रब्बुल आलमीन ने मुआफ़ फरमा देता है। और इस पर एक हदीस पाक भी है सदके के हवाले से कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस वक्त रब्बुल आलमीन ने चुके सबसे पहले यहाँ पानी ही पानी था जहान में तो फिर पानी के ऊपर खालिक़े कायनात ने जमीन को बसाया। जब जमीन को रखा गया तो जमीन अपनी जगह पर रुकती नहीं थी और फिर इसके ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल जिबाला उतादा के रब्बुल आलमीन ने जो पहाड़ हैं इन्हें मेखे बनाकर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और इन पहाड़ों की वजह से जमीन को करार आ गया। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों ने अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में कि रब्बुल आलमीन ये जमीन से भारी चीज पहाड़ थे और क्या पहाड़ों पर भी कोई चीज गालिब है? तो आका अलैहि सलाम फरमाते हैं फरिश्तों ने जब ये अर्ज किया तो बारी ताला ने जवाब दिया, जवाब में ये कहा हाँ इन पहाड़ों पर जो चीज गालिब है तो वो है अल हदीद यानी के लोहा जिसके जरबों से पहाड़ों को पत्थरों को तोड़ दिया जाता है। और फिर फरिश्तों ने अर्ज किया क्या बारी ताला के लोहे पर भी कोई चीज गालिब है? तो खालिक़े कायनात ने फरमाया हाँ लोहे पर जो चीज गालिब है वो है अन्नार के जो आग है वो लोहे को पिघला कर बहा देती है। तो फिर फरिश्तों ने अर्ज किया क्या के मालिके कायनात आग पर भी कोई चीज गालिब है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं मेरे रब ने ये जवाब में कहा कि ऐ प्यारे मलाइका जो आग पर चीज गालिब की है वो है पानी जो आग को बुझा देता है। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिके कायनात क्या पानी पर भी कोई चीज गालिब की है? तो खालिके कायनात ने फरमाया जो पानी पर गालिब है वो है अर्रीह यानी कि हवा, हवा के थपेड़ों से पानियों के रुख चेंज हो जाते हैं। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिके कायनात क्या इस पानी पर हवा पर भी कोई चीज गालिब है? तो खालिके कायनात ने फरमाया ऐ प्यारे मलाइका जो जमीन पर गालिब हमने पहाड़ों को किया, पहाड़ों पर गालिब जो है वो है लोहा, लोहे पर जो चीज गालिब है वो है आग, आग पर जो चीज गालिब है वो पानी, और पानी पर जो चीज गालिब है वो है हवा, और इन सारी चीजों पर जो चीज गालिब है वो है सदका के हजार मुसीबतों सदके के जरिए से टाल दी जाती है। अच्छा कर साहब ये बताइएगा कि अगला सवाल जो हमारी ऑडियंस ने दिया बहुत ही अलग अंदाज से उन्होंने पूछा है कि सदका फितराना, आमतौर पर ये सवाल होता है कि सदका फितराना किन लोगों को देना चाहिए, तो ये सवाल मेरे पास आया कि सदका फितराना किन लोगों को नहीं देना चाहिए? असल में जब ये दिए जाने का सवाल आ जाएगा ना कि किन को और कहाँ देना चाहिए तो जिनको नहीं देना चाहिए वो खुद ही अलग हो जाएंगे, उनकी समझ आ जानी चाहिए। मदारिस हैं जहाँ तलबा अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं और मदारिस को देना चाहिए, और उसके बाद जो गुराबा हैं फुकारा हैं उनको देना चाहिए जिनका कोई करने वाला नहीं, बेवा औरतें हैं जो उनको
देना चाहिए कि जो मुस्तहिक हैं उन्हें देना चाहिए। अच्छा कर सर ये बताइएगा कि सदका फितराना क्या किसी सैयद को भी दिया जा सकता है अगर वो गरीब हो तो? उसमें ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के शहजादे सैयदना हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो नबी अलैहिस्सलाम के घर में जो है ना वो सदके की खजूरें पड़ी थी। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बचपन का जमाना है मुबारक था, तो आपने एक खजूर का दाना उठा के अपने मुंह में डाल लिया तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम ने भाग कर आकर हजरत इमाम हसन के गले पे हाथ रखा और दबाकर एक जो है ना अंगुश्त शहादत को जनाब इमाम हसन के मुंह में दाखिल फरमा के आपने वो खजूर का दाना निकाल लिया और अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब ने यह सदका आले मोहम्मद पे हराम कर दिया है कि आले मोहम्मद सदका नहीं लेंगे। और हाँ इसमें एक बहुत अहम बात है, वो ये है कि जो आले सादात हैं उनमें अगर कोई ऐसा जो है ना, वैसे तो सारा जहान आले मोहम्मद की खैरात खा रहा है और आले नबी के सदके से ये जहान का निज़ाम चल रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की जो आले मोहम्मद है वो अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कश्ती नूह की मिसल है कि जो आले मोहम्मद से प्यार करेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी रोशन फरमाएगा और खुदा उसकी आखरत भी रोशन फरमाएगा, अल्लाह उसकी कब्र में भी कब्र को भी गुप्ताए नूर बना देगा। ऐसे मौकों पर हमें जो सैयदजादे हैं आले मोहम्मद के चश्मो चराग हैं, जो आले नबी हैं आले सादात सैयदजादे हैं, तो उन्हें हमें सदका फितर नहीं ज़कात नहीं ये नहीं देंगे बल्कि हम उन्हें तोहफे के तौर पे जो है ना वो कुछ चीज दे सकते हैं, पैसे दे दें, कपड़े दे दें, या जो भी चीज है हम उनको बतौर तोहफा पेश किया करें। और ये मैं जो है ना पैगाम जितने भी हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं सामाईन हैं सबको ये मैं एक जो है ना पैगाम देता हूँ कि सारे लोग इस बात पे अमल करें कि अपने गिर्दो नवा में देखें कि कोई आले सादात हैं तो उनके घरों में बतौर तोहफा पेश करके आया। उम्मीद है नादरी सदका फितराने के हवाले से जिन जिन लोगों के जो जो सवाल थे कार साहब ने जिस तरह तफसील से बयान किया आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इंशाल्लाह ताला सदका फितराने के हवाले से आगे भी हम कार साहब की राय लेते रहेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे वो भी आप हमसे बकायदा पूछ सकते हैं। तो इस शेर के साथ मैं आज के प्रोग्राम का बकायदा इख्तिताम करूँगा। फरिश्ते कह रहे हैं खुदा से सूरज शकिस्त खा गया है रोजेदार से। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला आप लोग भी हमारी रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बन सकते हैं, तो उसके लिए भी आपने नीचे दिए गए नंबर पर रابطہ करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا.